अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन एट योर होम्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 ऑफ आवर साइंस सब्जेक्ट नेम आवर बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। व्हेन वी लुक एट ईच अदर वी सी दैट वी ऑल हैव सेम बॉडी पार्ट्स। जब भी हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम सब के पास सेम यानी कि एक ही तरह के बॉडी पार्ट्स हैं। आर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स। हमारा जो जिस्म है वो काफ़ी सारे मुख्तलिफ अज़ा पे बना हुआ है। ईच बॉडी पार्ट हैज़ अ नेम एंड अ स्पेशल वर्क टू डू। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर एंड वी विल रीड अबाउट द बॉडी पार्ट्स। यू कैन सी हियर फर्स्ट वन इज़ हेड। फर्स्ट वन इज़ हेड यानी कि सर, ईयर यानी कि कान। उसके बाद आ रहा है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, माउथ। किस चीज़ की पिक्चर है? माउथ की। आफ्टर दैट नेक, आर्म, लेग, फूट, आई, नोज, टीथ, फिंगर एंड नी। नी किस चीज़ को कहते हैं? नी कहते हैं घुटने को। आपने देखा कि जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके नेम कैसे हैं, हम उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारी जो बॉडी है और उसके जो पार्ट्स हैं उनका फंक्शन क्या है, यानी कि उनका काम क्या है। जैसा कि हमारी आईज़ हैं, आईज़ का फंक्शन क्या है? आई से हम क्या काम लेते हैं? आई से हम देखते हैं। उसके बाद नोज़ है, तो नोज़ से हम क्या काम करते हैं, यानी कि किस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने नोज़ बनाई है? वो ये कि हम जो सांस लेते हैं या किसी भी चीज़ को स्मेल करते हैं तो वो हम अपनी नाक के ज़रिए करते हैं। एयर्स, एयर्स का फंक्शन क्या है, यानी कि हमारे कानों का फंक्शन क्या है, हमारी ज़िंदगी में क्या काम है, किस काम आते हैं हमें? तो हमारे जो कान हैं वो हमें सुनने का काम देते हैं, हम अपने कानों से सुनते हैं। जो भी चीज़ होती है हमारे कानों से सुन के फिर हमारे, उसके बाद आ रहा है माउथ। माउथ का फंक्शन क्या है, यानी कि मुंह से हम क्या काम करते हैं? मुंह से हम खाते हैं, बात करते हैं और स्माइल करते हैं। आफ्टर दैट आ रहा है टीथ। टीथ का क्या फंक्शन है? दांतों का जो फंक्शन ये है कि दांतों से हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उनको चबाते हैं। किसी भी चीज़ को हम चबाते हैं वो दांतों की मदद से। आर्म यानी कि बाजू। बाजू का क्या काम होता है? होल्ड ग्रिप एंड अप्लाई फोर्स। किसी भी चीज़ को पकड़ना या उसकी ताकत लगाना, वो सारा काम हम जो है वो बाजू से करते हैं। फिंगर्स, फिंगर से हम क्या काम करते हैं, या हैंड से आप कह सकते हैं कि हैंड, हैंड से हम क्या काम कर सकते हैं? हम टच कर सकते हैं, हम होल्ड कर सकते हैं किसी चीज़ को, हम राइटिंग का काम कर सकते हैं। और उसके बाद आ रहा है लेग। लेग से हम क्या काम करते हैं या ज़िंदगी में हमारी में क्या फंक्शन है लेग का, या अल्लाह ताला ने ये जो औज़ार सारे बनाए हैं उनका हमारी लाइफ में कितनी अहमियत है और फंक्शंस उनके क्या क्या हैं? तो आए लेग के बारे में पढ़ते हैं। लेग का जो काम है वो है मूविंग और वॉकिंग। मूविंग यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो हमारी टांगें हमारी मदद करती हैं और हम टांगों की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं या चलते हैं, मूव करते हैं। नीज यानी कि घुटने, ये एक औज़ार है जिससे हम अपनी बॉडी को डिफरेंट तरह से मतलब मूव कर सकते हैं, या जब हम बैठते हैं इवन नमाज के लिए तो हम इनको मूव करके दूसरी पोजीशन में चेंज कर सकते हैं। फुट, फुट का क्या काम है? वॉकिंग, पैरों से हम चलते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं। तो ये था हमारे बॉडी पार्ट्स और उनका फंक्शन, और हमारा आज का टॉपिक इधर क्लोज होता है। और प्यारे बच्चों, आपका जो टास्क है वो ये है, आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको अपनी साइंस बुक के पेज नंबर 11 पे ये आपको एक ड्राफ्ट दिया गया है, इनमें आपने बॉडी पार्ट्स के नेम बॉक्स से देके फिल करने हैं। वन इज़ डन फॉर यू, मैंने आपके लिए एक कर दिया है, बाकी आप अपने बुक पे सेम पैटर्न को फॉलो करके
इस तरह से नोट बनाएंगे। जैसे मैंने इधर नेक लिखा है, इधर से सिलेक्ट करके दिस इज़ नेक मैंने इधर लिख दिया है। बाकी जो भी बॉडी पार्ट्स हैं आप उनको देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और बॉक्स में से देख के उनके ऊपर फिल करेंगे। तो ये था आपका टास्क जो कि आपको करना है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।